हेलो बच्चों, क्लास 12 के लिए एक वीडियो है और टॉपिक रखी है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। दूसरी फॉर्म है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, यानी एक पहला है हवा, दूसरा में देखिए पी एक्स प्लस क्यू है ऊपर, और फिर है अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक या एल्जेब्रिक हमारे को दिया हुआ है, लेकिन होना चाहिए क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ पर फिर देखो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, और ये एफ एक्स का मतलब ये है, यानी इसकी पावर या तो इक्वल है, या तो पावर इक्वल है टू के, या टू से बड़ी है। तो इन तीन जो फॉर्म्स हैं इनमें क्या करना पड़ता है, तो इसकी ट्रिक्स बता रहा हूं मैं। देखिए पहले फॉर्म फर्स्ट की बात करते हैं, तो फॉर्म फर्स्ट में हमें क्या करना है, फॉर्म फर्स्ट है आपके पास में, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है। अब किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनता है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, यहां पर लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है इसको मैं समझाता हूं आपसे। 11th में आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाने की स्कीम देखी थी, तो किस तरह से बनेगा, आई इज इक्वल टू लिख दिया है मैंने। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनता है, आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 बाय 2 का डिवाइड, यानी 1 बाय 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, इनटू एक्स। अब जो ये चीज है इसी का होल स्क्वायर यहां लिख दोगे, और इसी के होल स्क्वायर को प्लस करके लिखोगे, इसी के होल स्क्वायर को माइनस कर दोगे, और प्लस वन, यानी ये प्लस वन इधर लिख दिया है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है। ये बन गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बन गया, ये डीएक्स चल ही रहा है आपका, तो ये बन गया आपका एक्स प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लिया अपन ने। ये सॉल्व किया तो ये है आपका 1/4 माइनस का और प्लस का 1 को लिख देता हूं 4/4, यानी 4 ये बन गया आपका प्लस का 3/4 बन गया। ये कैलकुलेशन आपकी हो चुकी है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इन तीनों फॉर्म में जब भी परफेक्ट स्क्वायर बन के इस तरह से आता है तो हमारे पास तीन फॉर्मूले रहेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला तो ये है आपका, सेकंड फॉर्मूला ये है, और थर्ड फॉर्मूला ये है। ये दो फॉर्मूले मैंने लास्ट के टॉपिक में समझा चुका हूं आपको, यानी जब आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहां पर आया है देखो ये मोटा एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, ये वाला लगेगा। इन केस आपके पास में आए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये फॉर्मूला लगेगा। और इन केस आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला, यानी तीन फॉर्मूले लगेंगे आपके, तीनों फॉर्मूले यहां पर लिखे हुए हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर याद रखने का क्या तरीका है, आपके पास में यदि 1 + 1 + एक्स स्क्वायर हो 1 अपॉन और डीएक्स हो, तो आपको याद होगा कि ये टैन इनवर्स x अपॉन x प्लस सी होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर के स्क्वायर लिख दो तो ये हो गया x अपॉन a और 1 अपॉन a, तो ये याद रखने का तरीका है आपका। ठीक है, और ये दो फॉर्मूले आपको ट्रिक से याद करने मैंने आपको सिखा दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला किसका लग गया, मोटा x स्क्वायर देखें और लिख दें tan मोटा x, मोटा x मतलब मन में तो सोचा मोटा x, लिख दिया x 1/2 और √3/2 जो कि आपका है a, और इसी को यहां लिख दिया 1/√3/2, ये आपका आंसर आ गया प्लस सी, ये आंसर आ गया। और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर रेडी है। तो कुछ समझ में आया आपके, तो ये तरीका है इस तरह से सॉल्व करने का, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ये तरीका है। तो बच्चों अब सेकंड फॉर्म के बारे में बता रहा हूं, फॉर्म सेकंड पी एक्स प्लस क्यू, यानी ऊपर पी एक्स प्लस क्यू है, तो इसमें क्या करेंगे आप, नीचे का फर्स्ट स्टेप है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बिठाएंगे, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बिठाएं, ये तो पहला स्टेप हो गया। ठीक है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बिठाएं, और सेकंड जैसे नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बिठाएंगे तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फर्स्ट फॉर्म आते ही आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बना देना है। कैसे करना है मैं आपको तरीका बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसी सवाल को लेता हूं मैं,
और इस तरह से लिख देता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यही क्वेश्चन है, वापस देख लीजिए अब आप, ताकि आपको याद हो जाए कि सर ने किस तरह से कराया था। अब नीचे का डिफरेंशिएशन आप कहीं करके देख लीजिए आप। नीचे का डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर का, हो गया 2x+1, हो गया 2x+1 हो गया। तो आपको क्या करना है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बिठाना है, तो 2 की पहले क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ये 2 की मल्टीप्लाई हो गई, देख लीजिए आप कोई फर्क पड़ा, 2 की मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ठीक है। अब आप क्या करें, अपनी मर्जी से 1 ऐड कर दें इसमें, तो 1 माइनस कर दें। वापस देख लें अच्छी तरह से कि मैंने क्या किया, सबसे पहले वापस देखें आप कि 2 की मल्टीप्लाई की, ये नीचे का डिफरेंशिएशन है, ये रहा नीचे का डिफरेंशिएशन, तो 2 की मल्टीप्लाई की 2 का डिवाइड कर दिया, ठीक है, और फिर 1 ऐड किया इसमें, 1 ऐड किया, 1 माइनस कर दिया। वापस सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन वापस यही बन जाएगा, देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन आपका ये है, ये वापस बन जाएगा आपका क्वेश्चन, देख लीजिए, ये ट्रिक लगाती है मैंने, क्लियर है। इतना होने के बाद मैं क्या करता हूं, इन दोनों को अलग अलग कर देता हूं, ये देख लीजिए आप, तो 1/2 और ये हो गया आपका 2x+1/x²+x+1 और माइनस, ये अलग हो रहा है, तो 1/2 और ऊपर हवा और dx x² + x + 1, ये आपकी बन गई है फर्स्ट फॉर्म, देख लीजिए आप, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते ही क्या करेंगे, इसका तो बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, और ये नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, तो लॉग हो गया, तो पहले इसको I1 और I2 लिख दें और I1 को अलग सॉल्व कर लें। I1 हो गया 1/2 और 2x+1 x² + x + 1, dx लगाना मत भूलिए, dx है, और ये आपका आंसर आ गया इसका। तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, तो 1/2 log x² + x + 1, ये आ गया आपका I1। अब I2 सॉल्व करना है, तो वापस वही ट्रिकड़म बिठाएंगे अपन, माइनस और ये लिख दिया पहले तो अपन ने, ठीक है, एक्स स्क्वायर और वही 2 की मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड और x और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर किया, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर किया और प्लस 1, ये प्लस 1, और अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आप ये कर चुके हैं ऑलरेडी। और फिर आप क्या करेंगे, I=, आपकी वैल्यू लिख देंगे, ये वैल्यू है मेरी 1/2, I1 की वैल्यू आपके पास में है log x² + x + 1 और माइनस का आएगा ये माइनस 1/2, और आपका रेडी है टैन इनवर्स, जो भी है वो मैंने कराया हुआ है, तो ये देख लीजिए, दिस इज द वेरी इजीएस्ट मेथड। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बिठाना है, ये आपको सीखना होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, फॉर्म थर्ड में आपको पहचानना कैसे है, तो पहचानोगे कैसे कि जब न्यूमरेटर की जो पावर है, न्यूमरेटर की पावर यदि इक्वल है और बड़ी है किससे, डिनोमिनेटर की पावर से, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड, याद रखें ये चीज। तो यहां पर डिवाइड क्या करेंगे, x² + x + 1 का डिवाइड ऊपर वाले से कर देंगे, ये काम आपको करना है। तो देखिए ये काम करूं, इससे अच्छा मैं ये काम और कर देता हूं, मैं तो ट्रिक से करता हूं, सारी चीजें ट्रिक से करता हूं। तो देखिए x² + का x लिख दिया, +1 लिख दिया मैंने, यहां पर देखिए मैंने क्या किया, ये शक्ल यहां बना दी है x² + x + 1, तो मैंने क्या किया था, यहां पर जो इसकी शक्ल बनाई थी तो वो मैंने क्या किया था, माइनस का 2x और प्लस का 2x, यानी कि मैंने क्या किया था, प्लस का x जोड़ा था और माइनस का x यहां पर माइनस किया था, तो बात बराबर हो गई, लेकिन यहां पर ये आ गई शक्ल, ठीक है, और इन दोनों को अलग अलग कर दिया फिर मैंने, तो मेरे पास में ये तो आ गया 1, ये देखिए 1 dx आ गया, ये डिवाइड से भी ऐसे ही आएगा बच्चों, और माइनस का 2 और x अपॉन x² + x + 1, इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया। तो ये तो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया आपका x, और ये क्या हो गया आपका px+q, यानी सेकंड फॉर्म बन गई आपकी, क्या बन गई, सेकंड फॉर्म बन गई आपकी। सेकंड फॉर्म को क्या करोगे आप, सबसे पहले नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बिठाओगे, यानी सेम वही क्वेश्चन बन गया है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया है। तो आप इस चीज को ध्यान से देखें,
एक ही क्वेश्चन से आप सारा ये फॉर्म समझ सकते हैं। अच्छा बच्चों, मैं है ना कभी भी चैप्टर वाइज आपको नहीं पढ़ाऊंगा, एक्सरसाइज वाइज नहीं पढ़ाऊंगा कि ये पहली एक्सरसाइज करा दीजिए, दूसरी करा दीजिए। मैं कराता हूं टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में आप क्वेश्चन को कहीं कैसे भी आया हुआ वहां पकड़ लोगे कि ये इस टॉपिक का है, ये इस फॉर्म का है, ये इस फॉर्मूले का है, ये लॉग का है, ये एंटी लॉग का है, ये e की पावर x का है, तो तुरंत पकड़ोगे आप। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो आप जरा मेरी टेक्निक को पकड़े आप। मैं कोई भी क्वेश्चन कभी भी, मेरा ये उसूल है कि मैं कभी भी बुक के हाथ नहीं लगाता हूं, मैं अपने ही फॉर्मूले से बनाता जाता हूं, अपने ही फॉर्मूलों को अप्लाई करता हूं और अपनी ट्रिक को आपको बताऊंगा और टॉपिक वाइज बताऊंगा, ताकि आप बुक का कहीं से भी कोई क्वेश्चन को उठाओगे तो वो आप आराम से सॉल्व कर सकोगे आप। ठीक है, तो मेरे साथ चलते जाइए। तो यानी ये फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड करेंगे आप और डिवाइड से ये फॉर्म सेकंड में होगी और सेकंड किसमें हो जाती है, फर्स्ट में हो जाती है। तो ये आज क्वेश्चंस करिए इस पे, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको और आप कर लीजिए। तीन फॉर्मूले लगेंगे उनमें, तीन फॉर्मूले लगेंगे। एक बार और आपको परफेक्ट स्क्वायर में करना, सॉल्व करना बता देता हूँ ट्रिक से। तो ये पकड़ लें आप, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे आप। सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो गई है, फिर टू की मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बिठाएंगे, ये तरीका है इसका। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको डिवाइड करने का तरीका मैं बता दूंगा। देखिए जरा कैसे करते हैं कि नीचे का पहली बात तो देखिए, पावर जो है ना न्यूमरेटर की पावर क्या है, बड़ी है, इससे डिनोमिनेटर की पावर से। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका भी आना चाहिए आपको, तो x स्क्वायर प्लस 1 का डिवाइड x 4 प्लस 1 में इस तरह से करेंगे, कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। तो x स्क्वायर तो x 4 हो गया, और x स्क्वायर को इधर कोने में लिख दें क्योंकि है नहीं यहाँ पे। अब निशान चेंज कर दीजिए, ये गया काम से, इसको नीचे लिख दीजिए और ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब आप देखिए x स्क्वायर को अब कितनी बार जाएगा, माइनस 1 टाइम जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस x स्क्वायर देखिए, ठीक है, और माइनस 1, और अब आप निशान चेंज कर दीजिए, ये आपका आ गया प्लस का 2, और ये मैटर बच गया आपका। तो इस तरह से लिखेंगे आप इसको, x स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर x 4 प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस 1 dx प्लस 2 बाहर आ गया, 1 प्लस x स्क्वायर लिख दीजिए, ये tan इनवर्स हो गया, ये x हो गया, ये x क्यूब अपॉन 3 माइनस x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c, ये लीजिए यहाँ। बच्चों आज मैंने तीन फॉर्म में आपको बताई है, सिखाई है, ठीक है। देखिए ये चार क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ठीक है, ये तो है फर्स्ट फॉर्म पे, आगे के क्वेश्चंस जो हैं ये सेकंड फॉर्म पे, और ये आपका इक्वल है देखिए, तो डिवाइड करोगे है ना, और ये थर्ड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगी। फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको वापस थोड़ा सा और समझा देता हूं, जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल, तो एक्स स्क्वायर फ्री होना चाहिए एक, तो ये ध्यान रखना। तो 4 का डिवाइड कर दीजिए आप इसको, तो 1/4 हो गया, बाहर निकल गया ये, और ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया x, और ये हो गया, ये x नहीं लिखता हूं, 5 लिखता हूं ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। ये x मैंने 5 लिख दिया है, तो डिवाइड हुआ और ये हो गया 3/4, ये आ गया समझ में आपको। अब आप यहां पर देखेंगे इसका, ये तो हो जाएगा a आपका, तो कैसे करोगे आप मैं बताता हूं, इसको वापस यहां पूरा समझा देता हूं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कला है ये, तो देखिए ये x स्क्वायर 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, 2 का डिवाइड किया तो ये हो गया 5/8, ठीक है, और x, अब इसको गोला करिए आप, ठीक है, इसको गोला कर दीजिए, ये आपका a है यानी कि a स्क्वायर है, तो 5/8 का होल स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 5/8 का होल स्क्वायर लिखोगे और प्लस का 3/4 यहां पर लिखोगे, इसको सॉल्व कर लेना आपका, और इसको, ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, x माइनस 5/8 का होल स्क्वायर बन गया ये, और ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपका a स्क्वायर आएगा, ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, माइनस में आएगा तो लॉग का फॉर्मूला,
प्लस में आएगा तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर को फ्री करना है हर जगह से, हर जगह से फ्री करना है, ये तो फ्री है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो करते रहिए, ये 10 क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा और फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे। ये तीनों फॉर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक वाइज मिलेंगे, चैप्टर वाइज नहीं।